इंदौर में लगातार कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। शहर में अभी तक का सबसे सर्वाधिक कोरोना पॉजिटिव संख्या का रिकॉर्ड 1693 पहुंच गया है, जिसने अभी तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बढ़ती संख्या के कारण स्वास्थ्य संबंधित चीजों की कमी भी शहर में देखने के लिए मिल रही है, जिसके कारण मरीज और मरीज के परिजन भी परेशान हो रहे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कमी शहर में हो गई है। इस समस्या को दूर करने के लिए नागपुर से ट्रक के माध्यम से 200 रेमडेसिविर इंजेक्शन के बॉक्स आज इंदौर एयरपोर्ट पर लाए गए हैं, जिसमें कुल 9600 रेमडेसिविर इंजेक्शन है, जिसमें से चोपर के माध्यम से 42 बॉक्स भोपाल, 7 बॉक्स रतलाम और 4 बॉक्स खंडवा पहुंचाए जाएंगे। इसी तरह स्टेट प्लान के द्वारा 19 बॉक्स ग्वालियर, 18 बॉक्स रीवा, 39 बॉक्स जबलपुर और 14 बॉक्स सागर पहुंचाए जाएंगे। 57 रेमडेसिविर इंजेक्शन के बॉक्स इंदौर के लिए रखे जाएंगे। इंदौर में स्वास्थ्य संबंधित चीजों की परेशानियों को देखते हुए विधायक संजय शुक्ला, महाराष्ट्रीय सचिव कैलाश विजयवर्गीय के बाद अब फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने भी इंदौर के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था करवाई है। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। जिले वाइज भेज रहे हैं, ग्वालियर भेज रहे हैं, रीवा भेज रहे हैं, जबलपुर भेज रहे हैं, रतलाम भेज रहे हैं, ये सब वहीं के हैं, खरगोन भेज रहे हैं, सब इसके लेके हम मात्रा के अनुसार पात्र जो संख्या उनके हिसाब से भेजने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ मेडिकल कॉलेज और शासकीय और जिला अस्पताल में ये जा रहे हैं, और रेमडी की जो शिविर है, रेमडी शिविर अति शीघ्र जल्दी जल्दी से हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे मरीज हैं उनको ये हम इंजेक्शन दे पाए। मंत्री जी, कहाँ से आगे आए हैं और थोड़ी राहत है मध्य प्रदेश के लिहाज से देखें तो 48 लगातार बहुत ज़्यादा किल्लत हो रही थी। नहीं, इसीलिए तो आए, इसीलिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रयास रहते हैं, वचनबद्ध हैं और युद्ध स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। इस रेमडी शिविर के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, ये उसी का नतीजा, ये जिम्मेदारी हमारी सरकार की, हम कोशिश कर रहे हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मॉनिटरिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं मंत्री जी, क्योंकि कहना है कि ये जरूर MGM प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि कहाँ कितने सप्लाई हो रहे। देखो मैडम, बिल्कुल पारदर्शिता पूरी है। मेडिकल कॉलेज के हमारे डीन साहब यहीं बैठे हैं, कमिश्नर साहब उसमें समन्वय कर रहे हैं। अब एक बात सुनो, क्योंकि मांग और पूर्ति थोड़ा आप जानते हैं कि जो मांग करते रोज से डबल हो जाती है, वो हम डबल करते तो फिर 4 गुना हो जाती है, इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है, और ऐसे आपके संज्ञान में कहीं हो तो मुझे बता दें। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए आपने बात भी की है, उड़ीसा असम से भी क्या कुछ नहीं? ऑक्सीजन के लिए मध्य प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री से मेरी निरंतर चर्चा कर रही है, चर्चा हो रही है। उसके बाद मैंने हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं मध्य प्रदेश का नेतृत्व करके नरेंद्र तोमर जी से, अपने उनके गहलोत जी से, अवरचंद जी से, पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिराय सिंधिया जी से, कुलस्ते जी से, और हमारे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश जी से भी मैंने अनुरोध किया है कि हमको जो ऑक्सीजन की खपत हो रही है अधिक से अधिक केंद्र सरकार से हमको मिले, ये मैंने अनुरोध किया। प्लांट हम लोग लगाएंगे क्योंकि इंदौर में पीतमपुर में तो रन कर रहे हैं, इसीलिए मैंने उनसे केंद्र से अनुरोध किया है कि वो हमारी सहायता करें, मध्य प्रदेश कर रहे हैं, उन्होंने पूरा प्रयास भी कर रहे हैं, सब वरिष्ठ मंत्रीगण भी प्रयास कर रहे हैं। देखो, जो पेशेंट्स हैं उनके लिए डॉक्टर्स जो प्रिस्क्राइब करते हैं अगर रेमडेसिविर इंजेक्शन, तो उसकी एक कमी देखी गई थी, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने उसका अरेंजमेंट किया है। अभी पूरे मध्य प्रदेश में सप्लाई के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन हमें प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ से पहली बार स्टेट ने ऐसा प्रबंध किया है कि जल्दी रेमडेसिविर पहुँचे, इसलिए स्टेट हेलीकॉप्टर से भोपाल संभाग, रतलाम संभाग और खंडवा में रेमडेसिविर इंजेक्शन भेजे जा रहे हैं। इसी के साथ प्लेन से ग्वालियर, रीवा, जबलपुर और सागर रेमडेसिविर भेजे जा रहे हैं, ताकि ये तत्काल 2-4 घंटे में सब जगह पहुंच जाए और हम मरीजों को उपलब्ध करा सकें। नागपुर से आए हैं और सर, ये किसे मतलब डिस्ट्रीब्यूट होंगे? इंदौर को एट प्रेजेंट कितने मिले हैं? देखिए, ये जो है इनका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे रखा गया 75%, क्योंकि हमारे मेडिकल कॉलेजेस में ज़्यादा पेशेंट होते हैं, हम मेडिकल कॉलेजेस में देंगे, जैसे इंदौर में आप जानते हैं उससे सुपर स्पेशलिटी, MTH, MRTB और चेस्ट। इसके अलावा 25% जो है वो हम हेल्थ डिपार्टमेंट को देंगे, तो हेल्थ डिपार्टमेंट के हमारे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स जो हैं वो रन करते हैं, उनको उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसे खंडवा है तो उससे बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डिपार्टमेंट के अपने हॉस्पिटल को, तो ऐसे दोनों जगह हम सप्लाई उपलब्ध कराएंगे। इंदौर को मेडिकल कॉलेज के लिए लगभग 1500 और हेल्थ के लिए लगभग 1250 मिले हैं, पर इंदौर के 1250 के हेल्थ में जो और ज़िले हैं, धार, बड़वानी और खरगोन को भी भेजा जाएगा। सर, अभी हम लोग किस मैनेजमेंट के साथ कर रहे हैं, क्योंकि इंदौर
इंदौर में रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है, तो हम पेशेंट वाइज उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखिए हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो करते हैं, किसी भी समय कितने लोग उपलब्ध हैं, सॉरी कितने मरीज हॉस्पिटल में हैं, हम उसके हिसाब से इसको डिवाइड करके समय बांट देते हैं। सर टिल डेट आप कैसे सिचुएशन देख रहे हैं? रेमडेसिविर और ऑक्सीजन एक बड़ी समस्या बना है, इवन बेड ऑक्यूपेंसी भी, क्योंकि अभी एक्टिव मरीज हमारे पास 10,000 के पार हो चुके हैं। तो देखिए बेड ऑक्यूपेंसी उतना बड़ा समस्या नहीं है, क्योंकि हम बेड्स क्रिएट कर लेते हैं, उसके ऊपर ऑक्सीजन एक क्रिटिकल है, पर भी हम इंश्योर कर रहे हैं कि सप्लाई निरंतर बनी रहे और सबको उपलब्ध हो जाए और जो दवाइयाँ हैं वो उपलब्ध हों और डॉक्टर्स उपलब्ध हों। दैट वी आर ट्राइंग और हम उसको कर पा रहे हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।